चलिए फोटो खींच लिया बनाई और सब पेपर में निकलना चाहिए एकदम ठीक सर प्रणाम के इस जीत के बारे में बताइए। आज की मेरी यह जो जीत है दरअसल ये उन तमाम मतदाताओं की जीत है तमाम उन मतदाताओं की जीत है जिन्होंने जात पात धर्म मजहब भेदभाव को भुला करके सारी बातों को एक मेरे जैसे सेकुलर आदमी को उस आदमी को जिसने जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ूंगा पहले ऐलान किया। मुझको मतदाताओं ने इसलिए पसंद किया मित्रों क्योंकि मैंने साफ तौर पर कहा था कि जो हमारे मतदाता हैं सम्मानित भाई बहन हैं वो बड़े भरोसे से बड़े विश्वास के साथ मत इसलिए देते हैं कि मैं सीनेट में जाकर उनकी समस्याओं का निदान करूं, उनकी आवाज़ बनूं। दुर्भाग्य इस प्रदेश का सूबे का रहा इसके पूर्व लोगों ने बताया कि सीनेटर जाते एक डिब्बा मिठाई खाते मिनरल वाटर पीते और उसके बाद जाके सत्ता की जी हुजूरी की। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान सबकी शिक्षा एक समान और रानी हो या मेहतरानी हो सबको एक वोट का राइट अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण परम आदरणीय हमारे राम मनोहर लोहिया जी कर्पूरी ठाकुर और हमारे जो है कि वो पुरखे जिन्होंने बिना जात पात का भेद किए तमाम हिंदुस्तानियों को एक किया था और हम क्या कर रहे हैं हम आज अपने लोगों को बांट रहे हैं। मैं इस बंटवारे के खिलाफ हूं लेकिन जो शोषित है पीड़ित है अल्पसंख्यक है और पिछड़ा अति पिछड़ा है उनके साथ ऊंची जात के वैसे लोग जो प्रगतिशील धारा के हैं जो आधुनिक सोच रखते हैं और समाज से भेदभाव मिटाना चाहते हैं वैसे लोगों ने मुझको मतदान किया और भारी मतों से विजयी बनाया। मैं तमाम मतदाताओं का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने उन पूर्व प्राचार्यों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे प्राचार्य रहे कॉलेज में उन कुलपतियों का भी जो पहले कुलपति रह चुके हैं ऐसे तमाम लोग हमारी बहनें हमारी बेटियाँ हमारी शिक्षिकाएँ उन्होंने जात पात नहीं देखा और देखा कि एक लड़ने वाले को भेजना है। आज तमाम समस्याएँ हैं 2017 के जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक आए हैं अभी चुन करके उनको भी PhD का इंक्रीमेंट दिलाना जो हमारे रिटायर्ड बूढ़े शिक्षक जिन्होंने 40-40 साल पढ़ाया हड्डियों का दान किया है दधीची की तरह उनको पेंशन ग्रेजुएटी उनके रिटायरमेंट के साथ मिल जाए। हमारे जो बकाए एरियर हैं शिक्षक भाइयों बहनों को उनको मिले। ये जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के साथी हैं जो भटक रहे हैं बरसों से उनको भी न्याय मिले। ये तमाम बातें चतुर्थ फेज के हमारे जो शिक्षक भाई हैं उनकी भी आवाज़ में विश्वविद्यालय से लेकर राज्य सरकार तक बनूंगा। मैंने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है मैंने जातीय सेना का सहारा नहीं लिया बल्कि मैंने उन मुद्दों पर काम करना मेरी प्रतिबद्धता है और यही मेरी ईमानदारी है चरित्र और लड़ाकूपन यही मेरी पहचान।